सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि एंड यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप देख सकते हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जामिनेशन कैंसिल कर रहे हैं सेकेंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर एंड सिक्स सेमिस्टर, मतलब सभी इवन सेमिस्टर का। कौन कौन से यूनिवर्सिटी किस स्टेट पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो सकता है या नहीं, डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को भी विदाउट एग्जामिनेशन पास करवा दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ना लेके। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को शेयर करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेट का नाम मैं यहां पे कर रहा हूं, आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ पे ये आया है, गुजरात से बोला गया है, गुजरात यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2021 कैंसल्ड। अभी गुजरात से, गुजरात गवर्नमेंट से ये अनाउंस कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी का, गुजरात का सभी यूनिवर्सिटी का। फिर से सुनिए मैं बोल देता हूँ, ओवर 9.5 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो सेकेंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर देने वाले थे उनको विदाउट एग्जामिनेशन प्रोमोट कर दिया गया है नेक्स्ट सेमिस्टर में। मतलब जो सेकेंड सेमिस्टर थे वो थर्ड सेमिस्टर में चले गए, जो फोर्थ थे वो फिफ्थ, एंड जो सिक्स थे वो सेवन्थ सेमिस्टर में विदाउट एग्जामिनेशन प्रोमोट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखिए जो सेकंड सेमिस्टर में थे उनका फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट देख के उनको प्रमोट किया जाएगा, जो फोर्थ है उनका थर्ड सेमिस्टर का रिजल्ट देख के उनको प्रमोट किया जाएगा, जो सिक्स थे उनका फिफ्थ सेमिस्टर का रिजल्ट देख के उनको प्रमोट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे और भी डिटेल्स में लिखा है। आप देख सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट कैंसल्ड ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 2021 फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू कैंसिल यूजी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एमिड द फियर ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी टुडे ऑन May 21st अनाउंस, मतलब May 21st में अनाउंस हुआ है टू कैंसिल द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स फॉर यूजी कोर्सेज एंड प्रोमोट द स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं टोटल 9.5 लाख स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जामिनेशन प्रोमोट कर दिया जा रहा है, पर मेडिकल एंड पैरामेडिकल जो प्रोग्राम है उनको प्रोमोट किया नहीं जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स में बोला गया है। तो ये हो गया पहला स्टेट का न्यूज। सेकेंड जो स्टेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड कौन सा स्टेट पे ये आ रहा है सेम न्यूज, आप देख सकते हैं यूपी की तरफ से, यूपी का जो कॉलेज एग्जामिनेशन है 2021, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी अपना जो एग्जामिनेशन है यूजी एंड पीजी वो कैंसिल कर दिए हैं एंड प्रोमोट कर दिए हैं 30 लाख तक स्टूडेंट्स को। फिर से सुनिए, 30 लाख तक स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जामिनेशन प्रोमोट कर दिया गया है। क्या डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है चलिए वो भी हम लोग जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना अपने फ्रेंड जोन में। एमिड द कंटिन्यूअस राइज इन कोविड 19 केसेस, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैव कैंसल्ड ऑल द यूपी कॉलेज सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज decided to promote first and second years of UG and first year of PG students without any examination. मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो यूजी स्टूडेंट्स हैं गुजरात ने सभी को किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पर यूपी की तरफ से भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर यूजी एंड फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा ही बोला गया है। प्रोसेस सेम ही होगा कि जो फर्स्ट ईयर के यूजी स्टूडेंट्स हैं उनका एकदम बोर्ड्स का रिजल्ट देख के उनको प्रमोट किया जाएगा, एंड जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनका जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो देख के प्रमोट किया जाएगा एंड पीजी का यूजी का मार्क्स देख के उनको प्रमोट किया जाएगा। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी और भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक साथ बैठ के ये डिसीजन लिए हैं। तो सबको कैसे प्रमोट किया गया है वो भी यहाँ पे बोला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, सेकेंड ईयर विल बी प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर मार्क्स, एंड जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका भी यूजी का मार्क्स देख के प्रीवियसली उनको कैसा आया है वो देख के, उनका मेरिट देख के उनको नंबर दे दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी सभी यूनिवर्सिटी वन बाय वन यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है वो कैंसिल कर रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट्स पूछे कि वेस्ट बंगाल क्या कैंसिल करेगा, मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है गुजरात एंड यूपी का वो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है आपका जून जुलाई करके, इसीलिए ये कैंसिल किया जा रहा है
रहा है, प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में जुलाई एंड करके, या फिर आपका अगस्त में एग्जामिनेशन होगा तो आई होप कैंसिल नहीं होगा, पर डेफिनेटली आपका ऑनलाइन में होने का चांस ही मैक्सिमम है। UGC की तरफ से जो नोटिस आया है उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी, पर वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है प्रीवियसली कि किस मीनिंग से UGC ये बोले हैं। UGC एक बार भी ये सिचुएशन में वो इम्प्लीमेंट होगा एक बार भी नहीं बोला है। UGC जस्ट बोला है कि 100% जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता था वो 40-60 में डिवाइड किया जाएगा, 40% ऑनलाइन 60% ऑफलाइन। तो उसको आप पूरा बिलीव ना करके आप पूरा मतलब समझिए। डिटेल्स में एक वीडियो मैंने बनाया है जो कि मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो डेफिनेटली देख लेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन में हो या फिर कैंसिल हो, डेफिनेटली कमेंट करना। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।